उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना नौगावा सादात क्षेत्र में बीती रात एक मासूम के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें मासूम के परिजनों से 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी। आज पुलिस ने सारे मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गाँव में बीती रात एक मासूम के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसका अगले दिन सुबह को एक धार्मिक स्थल पर शव मिला था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। आज अमरोहा पुलिस ने इस केस का पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। समर इंडिया के लिए अमरोहा से भरत सिंह की रिपोर्ट। बताइए, जो खुलासा है क्या है? देखिए, ऐसा है, थाना नौगावा सादात के बीलना गांव के रहने वाले मेहताब ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था 16/17 की रात को। उन्होंने थाने पे आके बताया था कि उनका 5 साल का बच्चा, जो अपने घर के बाहर ही खेल रहा था, वो गायब है और उसकी फिरौती के लिए एक चिट्ठी किसी ने घर पे छोड़ी थी। उसी क्रम में हमने 4 टीमें बना दी थी। एक इनिशियल सर्च ऑपरेशन बच्चे के लिए तुरंत रात को ही शुरू हो गया था। उस क्रम में अगले दिन 17 तारीख को उनके घर के 30 मीटर आगे ही जो मस्जिद है उसकी छत पर बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। बॉडी पर एक सेलो टेप लगी हुई थी जिससे उसका मुंह बंधा हुआ था। तो हम लोगों ने फील्ड यूनिट बुलाकर और डॉग स्क्वाड बुलवाकर एक बार पूरा एरिया का एक बार इंस्पेक्शन कराया था और पीएम वगैरह के आगे की कार्रवाई करवाई थी। उसी घटना के अनावरण में इवेंचुअली 2 लोगों का नाम प्रकाश आया, जिन दोनों की अरेस्टिंग हो गई है। ये जो 2 अभियुक्त हैं जिन्होंने ये पूरी घटना कार्रवाई की थी, इनका नाम है, एक तो समीर, जो हमारे वादी हैं उसी के पड़ोसी हैं, और जो दूसरा है उसका नाम है अराफात, जो नौगवा सादात कस्बे का रहने वाला है। घटने का मोटिव जो था वो यही था कि बच्चे को अपहरण करके हम लोग घर वालों से फिरौती मांगेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने बच्चे का अपहरण किया तो उस बच्चे को कुछ खाने में कुछ नींद की गोली मिलाई और इवेंचुअली शायद उस टसल में जो उसका मुंह बांधा गया होगा या उसको पकड़ा गया होगा, स्ट्रगल होगी, अनफॉर्चुनेटली उसमें बच्चे की मृत्यु हो गई। तो ये लोग भी थोड़ा घबरा गए, तो रात में इन्होंने उस बच्चे की बॉडी को, जो पास में मस्जिद थी उस पर छुपा कर ये लोग निकल गए वहाँ से। ये पूरी घटना है। मैं, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास है? देखिए, अभी तक हम कोई आपराधिक इतिहास तस्दीक नहीं कर पाए हैं, पर जैसे जो अराफात है वो मुंबई में भी काम करता है, तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हमको इनके जहाँ जहाँ वेयर अबाउट्स हैं एक बार वहाँ से भी लोकल पुलिस से संपर्क करना होगा। थैंक यू। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया, यही तो सच है।